हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा ट्रेडिंग में। डे सिस्टर, हम लोग जिस कंपनी के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं राइट्स है, काफी टाइम हो गया है दोस्तों इसके बारे में डिस्कस किए हुए और काफी अच्छी खबर भी निकल के आई है। कंपनी को काफी बड़ा ऑर्डर हाथ में लगा है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो उसके न्यूज को भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कहाँ तक ये शेयर ग्रोथ कर सकता है। तो सारी चीजों का अपडेट लेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट के लिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप यहाँ पे भी ज्वाइन करके अपने जो राय है वो पोस्ट कर सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट में। अगर डाउट है तो वो भी जान सकते हैं, जो भी आपको है वो पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों इसकी हम लोग करंट कंडीशन पे बात करें तो 380 रुपए 35 पैसे पे शेयर ट्रेड कर रहा है। काफी तगड़ा ग्रोथ हुआ है कुछ हफ्ते में कह लीजिए एक तरीके से, और आज की जो ग्रोथ है वो भी बहुत शानदार रही है। क्या कारण रहा है ग्रोथ का वो हम लोग जानेंगे इसमें। नवंबर 11 को इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट आने हैं। अर्निंग पर शेयर इसको बहुत शानदार हो रही है, बढ़िया सी इसकी मार्केट कैपिटल है। डिविडेंड यील्ड में भी इसने काफी अच्छा डिविडेंड 12 मंथ में बेसिक पे दिया है। अगर इसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो 14.2 का हमको देखने को मिल जाता है। इस हिसाब से दोस्तों इसकी कंडीशन शुरू से ही काफी बेहतरीन हमको देखने को मिल जाती है। अगर हम इसकी बाकी चीजों पर बात करें, जैसे इसके चार्ट पे अपडेट ले तो आपको देखने को मिलेगा कि 230 रुपए से शेयर अभी 380 पे ट्रेड कर रहा है, वो भी काफी तेजी से आया है इतना ऊपर। तो क्या कारण रहा है इसकी ग्रोथ पे वो भी बात करते हैं। सबसे पहले इसकी न्यूज जान लेते हैं। तो जो अभी दोस्तों लेटेस्ट में खबर निकल के आई है कि राइट्स लिमिटेड जो है इसको काफी बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है 499.41 करोड़ रुपीज का, और ये ऑर्डर मिला है BMRC से, मतलब बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। तो इस हिसाब से इसको काफी अच्छा ऑर्डर कंपनी को जैसे ही हाथ लगा है, मतलब खबर जैसे ही आई है उसके बाद ये शेयर में काफी तगड़ी इन्वेस्टमेंट आई है और इसी वजह से हमको बूम देखने को मिला है। तो इससे इस कंपनी का जो मतलब काम होने वाला है वो काफी तगड़ा ग्रोथ होने वाला है, और उसी वजह से हम लोग दोस्तों इसके शेयर में प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये शेयर और अच्छा ग्रोथ कर सकता है। अगर इसके हम लोग दोस्तों फाइनेंशियल कंडीशन मतलब थोड़ा पास्ट के बारे में बात करें कि कैसा परफॉर्म किया है, कैसी कंडीशन रही है, तो उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा कि 12 महीने में कंपनी ने 31% प्रॉफिट ग्रोथ 31% से ज्यादा ही है, और 55.1% का इसका सेल ग्रोथ हुआ है। तो मतलब काफी अच्छा इसका यहाँ पे हमको नंबर देखने को मिलता है। और क्वार्टर वाइज जो इसके पुराने अभी रिजल्ट आए थे वहां पे भी शेयर में ग्रोथ थी, और जो पिछला क्वार्टर था वो भी 1.64% बेटर था उससे पहले वाले से। अभी हम लोग क्वार्टर टू का वेट कर रहे हैं, जिसका अभी मैंने आपको जस्ट डेट बताया कि इसका नवंबर में आने वाला है, नवंबर 11 को, तो उसमें अभी टाइम है। इसके अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 21% प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बहुत शानदार है। बढ़िया सी इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग है और इसकी फेस वैल्यू भी सही जगह है, अभी तक कुछ स्प्लिट नहीं हुआ है शेयर। ऑल टाइम हाई का अगर इसका देखा जाए तो 387 देखने को मिलता है, जो कि आज ही एक तरीके से गया था लगभग। अभी मैं आपको चेक करके बताता हूं आज ही गया था या कुछ टाइम पहले का था, क्योंकि दोस्तों एक दिन इसने ऊपर गया फिर वापस नीचे आके फिर वापस ये ऊपर गया है, तो हो सकता है जो पिछला टाइम अप गया था उसका है। करंट प्राइस पे देखा जाए तो 180 देखने को मिलता है, और 52 वीक हाई जो इसका रहा है वो 387 है, और 387 ही इसका ऑल टाइम हाई भी हमको देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से शेयर काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है पुराने डाटा को देखते हुए, और चार्ट में भी कंपनी काफी अच्छा दिखती है। प्रो कॉन्स पे बात करें तो बस इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी बहुत डिक्रीज हुई है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि स्टील कंपनी 72% होल्डिंग्स होल्ड करता है, मतलब गवर्नमेंट का है, तो अभी इतनी बड़ी भी होल्डिंग होल्ड करना फायदेमंद नहीं होता। अब दोस्तों 90-80% जब कंपनी वाले ही प्रमोटर्स ही होल्ड करेंगे तो बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं या डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो 10% में कितना ही पार्ट बाई कर पाएंगे कंपनी का, तो उस हिसाब से इतना अच्छा ग्रोथ नहीं मिलता। अब थोड़ी जगह मिल गई है क्योंकि 72% के बाद काफी अच्छा परसेंटेज यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर और इंडिविजुअल जो हम लोगों की तरह है वो इसमें होल्ड कर सके, तो इस हिसाब से काफी अच्छा मेंटेन हमको डाटा देखने को मिलता है। इस शेयर का डेप्ट काफी रिड्यूस हुआ है, पहले से बहुत अच्छा हुआ है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री होने वाली है। इसकी
डिविडेंड येट जो ग्रोथ थी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अच्छा दिखने को मिल जाता है। अगला जो क्वार्टर टू रिजल्ट आने वाला है उसमें भी उम्मीद है कि इसके रिजल्ट काफी अच्छे आएंगे और जो हेल्थी डिविडेंड पे आउट कंपनी का रहा है वो 72% का देखने को मिलता है जो कि बहुत बहुत ज्यादा शानदार हमको देखने को मिलता है। ओवरऑल बात करें दोस्तों तो काफी बेहतरीन शेयर नजर आता है और उस हिसाब से परफॉर्मेंस काफी तगड़ा इसका देखने को मिल जाता है। अब आगे अगर टारगेट और बाकी चीजों पे अपडेट लें, खरीदने के जोन के बारे में बात करें, स्टॉप लॉस के बारे में बात करें, तो स्टॉप लॉस हमको 284 रुपए पे दिखता है। स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस इसके अराउंड तो गिरने पे आपको पक्का ही सेल कर देना है, वरना इसमें इतना अच्छा मतलब इतना नीचे गिरेगा तो जाहिर सी बात है उसके अराउंड एग्जिट कर लेना चाहिए। सपोर्ट की बात करें तो 295 पे है। खरीदने का जो जोन अभी ऊपर पे जो बन रहा है वैसे इतना स्ट्रांग बाई जोन नहीं है ये जिस लेवल में देखने को मिलता है, फिर भी मैं आपको इसमें बता दूं तो 344 से 352 के बीच में है। वैसे अच्छा लेवल अगर आप देख रहे हैं तो इसका जो आएगा वो 310 रुपए के अराउंड बनता है। अभी आगमी जो टारगेट है, अगले जो टारगेट लेके चलने वाले हैं वो हम लोग लेके चलेंगे इसमें 393 का, और उसके बाद जो टारगेट दिखता है वो हमको 422 का दिखता है, और उससे अगर लेवल अप का टारगेट देखते हैं आपको तो 454 का देखने को मिल जाता है। इस हिसाब से अभी इसमें लेवल्स दिखाई पड़ते हैं। देखिए दोस्तों, जब से कुछ दिनों में ये काफी चर्चे में आया है, इसी ऑर्डर का ही वजह से था, ये ऑर्डर इसको कंफर्म हो गया कि मिल गया, उसके बाद देखिए शेयर और बूम किया है। मतलब ये खबर 295 के अराउंड ही थी कि इसको मिल जाना है, आज कंफर्म आ गया, तो कंफर्म होते ही ये शेयर आज काफी तगड़ा यहाँ पे ग्रोथ हमको देखने को मिला है। तो अच्छे जोन में आपको अगर जाना है तो ये काफी मतलब लोअर लेवल पे दिखता है, जो पहले से बाई कर रखे हैं वो होल्ड करके चलें 393 के लिए, कल के लिए टारगेट होने वाला है, और उसके बाद आगे के टारगेट इसकी अपकमिंग इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। जिस हिसाब से ये खबर थी, ये काफी अच्छी खबर थी जिसकी वजह से शेयर काफी चर्चा में आया है। अगर इसका हम लोग पुराना चार्ट पे डाटा देखें तो कुछ इतना कैंडल में ग्रोथ नहीं होता था, ये देखिए कितना छोटा छोटा कैंडल बना है, ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, पर ये देखिए अभी कुछ दिनों में ये काफी मतलब यहाँ पे मूवमेंट में आया है अक्टूबर से। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट हो जाएगा दोस्तों, ये लेवल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कहीं पे चार्ट में आप भी ये नंबर सेव कर सकते हैं अगर मेरे ओपिनियन सही लगते हैं टारगेट बाई जोन और सपोर्ट के हिसाब से। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।